तो अगेन मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अभी तक हमने दो लेक्चर्स कर लिया, उसमें मैंने बताया आपको कि ट्रायंगल्स क्या होता है बेसिकली। ठीक है, उनकी बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस करी। ठीक है, हमने केवल एरिया का भी एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि ट्रायंगल की एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे कि अगर किसी का भी बेस का रेशियो सेम है तो उनकी एरिया का रेशियो भी सेम होगा। अब इस पे हम थोड़े क्वेश्चंस और कर लेते हैं जिससे कि हमें और क्लियरिटी मिल जाए, फिर हम एरिया के और फॉर्मूले करेंगे। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, उसमें साइड्स क्या है, ए बी इज इक्वल टू 5, बीसी इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अभी अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होगा तो 5 12 तो ये कितना हो जाएगा 13, ये एसी की लंबाई है पूरी। ठीक है, और एसी की लंबाई 13 हो गई। अब बोला है कि बीडी इज परपेंडिकुलर ऑन एसी, तो यहां पे क्या बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हम एरिया ऐसे लिख सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एक बार हम बेस बीसी को मान लेते हैं और एक बार हम बेस एसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हाफ बेस, बेस बीसी को मानेंगे तो साइड्स कितनी है 12, हाइट्स क्या हो जाएंगी यहाँ पे 5 एबी। ठीक है, और जब सेम यहां गया तो हाफ बेस, बेस इस बार हमने एसी को माना तो एसी की लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट्स यहां पे क्या है, बीडी है। ठीक है, तो हमें यहां से बीडी मिल जाएगा। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया, 12 × 5 = 60/2 = 30। ठीक है, ये हाफ से हाफ कट ही कर देते हैं, हाफ से हाफ कट कर दिया हमने और ये 60 हो गया, और 60 इज इक्वल टू 13 × BD। ठीक है, तो BD की लेंथ यहां से कितनी आ गई, 60/13 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको निकाला। हमें क्या पता था, केवल हाफ बेस इंटू हाइट पता था, हमने उसी की हेल्प से इसको कैसे सॉल्व किया। अब आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एबीसी एक ट्राइंगल है। ठीक है, हमने CF एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किस पे, एबी पे, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एबी पे। ठीक है, तो ये पॉइंट वन सा एफ है। ठीक है, तो CF और बीडी, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एबी पे। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है, डी। तो आप पूछ रहा है कि CF डिफरेंस बीडी क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी भाई सेम लगाते हैं हम। ठीक है, तो अभी क्या है, वहां पे तो हमने ट्रिपलेट थे तो हमने इजिली से निकाल लिया था, बट अभी यहां पे साइड्स हैं 5 6 7। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला, अब एरिया के लिए हम दूसरे फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, ये नंबर दो है, पहले हम एक कर चुके हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब यहां पे यूज आता है कि हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो जब कभी भी किसी ट्रायंगल की साइड्स दी होती हैं, ए के सामने ए, बी के सामने बी मान लिया, सी के सामने सी मान लिया। ठीक है, अगर हमें 3 साइड्स गिवन है तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, HERONS हीरोन्स होता है, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस एरिया इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, जहां पे एस जो आपका होता है वो आपका होता है पेरीमीटर। ये एस पेरीमीटर नहीं, सॉरी, सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो इसको हम सेमी पेरीमीटर कर लेते हैं, सेमी पेरीमीटर। ओके, तो आपको पता है सेमी मतलब क्या होता है, हाफ, सेमी मतलब क्या होता है, हाफ, और पेरीमीटर क्या बताया था आपको, ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, ये पेरीमीटर होता है, ये होता है। तो अब एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस की एस इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, अब हमें साइड दी हुई है, जैसे अभी ये लेते हैं 5 6 7 लेते हैं। ठीक है, 5 6 और 7 साइड्स हैं, तो अभी साइड्स क्या होंगी, 5 6 7। अब इसका हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम एस निकालेंगे। ठीक है, एरिया निकालने सबसे पहले एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर 5 + 6 + 7 / 2, 6 5 11 7 18 18/2, ये 9 आ गया, एस कितना आ गया, 9 आ गया। अब आपको फॉर्मूला पता है कि एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो अभी हमने 9 9 9 - 5 4 हो गया, 9 - 6 3 हो गया, 9 - 7 2 हो गया। ठीक है, तो अब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना है हमारे पास, 6√6। ठीक है,
इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6√6 आ गया आपके पास में। तो एरिया कितनी होगी 6√6। अगर साइड्स आपको 5, 6, 7 दी है तो एरिया कितनी होगी 6√6। अब हम अलग से ना निकालने के बजाय इसी एरिया का यूज कर लेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, हमको एरिया पता चल गई। अब एरिया पता चल गई तो एक बार हम इसको बेस मान के इसको हाइट मान लेंगे और एक बार इसको बेस मान के इसको हाइट मान लेंगे, ठीक है। तो सेम हमें पता गया 6√6 जो है उसकी एरिया है, ठीक है, 6√6 इसकी एरिया है। तो क्या कर लिया, एक बार हाफ बेस मान लिया हमने, पहले हम साइड्स लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एबी की साइड से हमें 5 दे रखी है, एसी की साइड्स दे रखी है हमें 6 दे रखी है, और बीसी की साइड्स हमें 7 दे रखी है, ठीक है। तो हाफ बेस, ठीक है, बेस हमने एक बार मान लिया, एसी को बेस मान लिया, एसी को बेस मान लिया तो क्या हो गया 6, और हाइट कितनी है हमारे पास बीडी होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें पता है कि एरिया कितनी है 6√6 है, ठीक है, 6√6 हमें एरिया पता है। अब इसको भी क्या करते हैं, हाफ बेस, बेस कितनी है, बेस क्या मान रहे हैं इस बार, हम बेस मान रहे हैं इसको, मानते हैं एबी को, मानते हैं बेस, ठीक है। तो एबी को बेस मानेंगे, एबी की लेंथ कितनी है 5, 5 हो गई, ठीक है, और क्या है सीएफ है, ठीक है। तो अब हम इस दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे तो यहां से बीडी की लेंथ कितनी आ गई, यहां से बीडी की लेंथ कितनी आ गई, बीडी की लेंथ आ गई 2√6, ठीक है, 2√6, 6 से 6 यहां पे आपने कट कर दिया, 2 ये यहां पे आ गया, ठीक है। तो बीडी की लेंथ कितनी आ गई 2√6, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे सीएफ की निकालेंगे, तो सीएफ की निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये दो इधर चला गया, 12√6/5, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी सीएफ की लेंथ, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है सीएफ डिफरेंस बीडी, ठीक है। तो अभी हमें इसकी भी लेंथ मिल गई और इसकी भी लेंथ मिल गई, तो सीएफ कितना है आपका 12√6/5, माइनस आप 2√6 कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 2√6/5, 5 × 2 = 10, और 12 − 10 = 2, 2√6/5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो अभी हमने एरिया के दो फॉर्मूले पढ़ लिए, एक हाफ बेस इंटू हाइट पढ़ लिया और एक हमने हीरोज फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है। अब हम एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं एरिया का, कौन सा, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दो साइड, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ दैट एंगल, साइन ऑफ दैट एंगल, ठीक है। ये कब यूज होता है, जब आपको एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, एक ट्रायंगल दे दिया और इसके साइड से ए बी सी, ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की बी, और सी के सी मान लिया, ठीक है। अब हमें एक एंगल दे दिया, इन्होंने थीटा एक एंगल दे दिया, ठीक है। अब हमें थीटा एक एंगल दे दिया और हमें साइड्स पता है इनकी, एक सी और बी, तो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स यहां पे, दो साइड्स कौन कौन सी है, एक सी है और एक ए है, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल जब हमें पता होगा तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइड, प्रोडक्ट ऑफ साइड, तो एसी, एसी, ठीक है, इंटू साइन थीटा, साइन ऑफ दैट एंगल, जो भी थीटा होगा उसको हम साइन थीटा के उसमें लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हमने यहां पे बीटा मान लिया तो अब आप इसको कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ बी, अब यहां पे बी और ए हो गया, तो ए बी इंटू साइन बीटा, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने इसको ए मान लिया, एंगल कुछ भी मान लिया हमने, इसको बीटा मान लिया, ठीक है, बीटा मान ही चुके हैं हमने, इसको अल्फा मान लिया, तो क्या हो गया, हाफ ऑफ, अब साइड्स कौन कौन सी हैं, साइड सी और साइड बी, ठीक है, तो सी बी इंटू साइन अल्फा, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसका यूज करते हैं, कब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जब आपको दो साइड्स पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो, तब आप यूज करेंगे हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स एंड साइन ऑफ दैट एंगल, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट साइड एंड साइन ऑफ दैट एंगल, ये आया कैसे, ठीक है, हाफ ऑफ एसी साइन थीटा, ये कहां से निकल के आ रहा है, ये कहीं से निकल के नहीं आ रहा है, ये बेसिकली हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट जो है ये उसी से निकला हुआ है, ठीक है। तो हम अभी इसका प्रूफ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ कैसा है कि हाफ एसी साइन थीटा आया कैसे आपके पास, ठीक है। तो हमने सबसे पहले मान लिया एक ट्रायंगल मान लिया एबीसी, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, ये हो गया आपका एबीसी, ठीक है, ए बी और सी। फिर हमने क्या किया, ए से बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ए से, और ये पॉइंट दे दिया हमने, डी पॉइंट दे दिया। अब आप बताइए हमको कि ट्रायंगल एबीडी, जो ट्रायंगल एबीडी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 है, ठीक है, तो ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको हमने थीटा मान लिया, अब हम एक बार साइड और मान लेते हैं, ठीक है,
तो मैंने इसको ए के सामने ए साइड्स मान लिया, और बी के सामने बी साइड मान लिया, और सी के सामने सी साइड मान लिया। ठीक है, मार्कर चल नहीं रहा है पर इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अब आप बताइए साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू होती है ये। ठीक है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी कभी तो आपको ये पता होगा, आपने टेंथ में पढ़ी होगी, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब हम यहां पे निकालते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन सी। अब एच क्या है? एडी है। ये एडी को हमने हाइट मानी हुई है, ये हाइपोटेनियस नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर के जो भी आपका थीटा होता है उसके सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है आपका। ठीक है, जो भी आपका थीटा के जस्ट सामने होता है वो आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हम ये क्या हो गया, ये यहां पे ये हाइट है। ठीक है, ये यहां पे हाइट है। ठीक है, ठीक, अब ये क्या हो गया, अब हम देख लें कि क्या होता है, हमने पढ़ा था हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब अगर हम इसको हाइट को सही करें, अगर हम इसको सी को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये बन गया क्या हमारा एच इज इक्वल टू साइन थीटा या सी साइन थीटा। ठीक है, सी साइन थीटा ये बन गया आपका। तो हाफ बेस क्या है? ये ए है। ठीक है, बेस कितना है आपका इसमें? ए है। ठीक है, ए मान लिया, और हाइट कितनी है आपकी? हाइट क्या है यहां पे? आपने सी साइन थीटा निकाला हुआ है। ठीक है, सी साइन थीटा, तो क्या हो गया ये? हाफ ए सी साइन थीटा। ठीक है, तो ये कहीं से आता नहीं है, ये बस हाफ बेस इंटू साइड का थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो ये होता है साइन रूल। ठीक, तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या हमने पढ़ा था? एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी साइन थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले बेसिक से कि आपकी थोड़ी क्लियरिटी हो जाए कि कैसे आपको इसे यूज करना है। जैसे एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ए बी और सी। ठीक है, साइड सबको दे दी, एक 4√2 दे दिया और एक दे दिया 4 दे दिया। ठीक है, 4 दे दिया, और इसके बीच का क्या होगा? दो साइड्स गिवन होंगी और उनके बीच का एंगल गिवन होगा। एंगल आपने मान लिया 15 मान लिया। ठीक है, ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ 4 × 4√2 इंटू साइन 15। साइन 15 की वैल्यू क्या होती है? √3 − 1/2√2। ठीक है, √3 − 1/2√2। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 2 से 2 कट गया, और 2 से 2 काट दिया यहां पर, √2 से √2 काट दिया, तो आप क्या आ गया? 4√3 − 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या गया? 4 × √3 − 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो अभी आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। ठीक है, अब हमने यहां से एक पीक्यू एक्सटेंड कर लिया इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब आपसे पूछा हुआ है कि बीपी रेशियो पीए, बीपी रेशियो पीए। ठीक है, ये कितना है? बीपी 3 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, बीक्यू रेशियो क्यूसी, बीक्यू है 2 और क्यूसी है 5। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? आपको इसी का यूज करना है। तो कैसे करेंगे आप? हाफ ऑफ, पहले अगर इस ट्राइंगल को देखेंगे तो दोनों साइड्स क्या हो गई? एक 3 हो गई और एक 2 हो गई। ठीक है, तो आप क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, मतलब 3 × 2। ठीक है, तो 3 × 2 × sin θ। ठीक है, ये कोई ना कोई एंगल होगा, ये थीटा है। ठीक है, तो ये साइन थीटा हो गया अपॉन हाफ ऑफ। अगर आप एबीसी की बात करें तो ये 3 और 1 = 4 हो गया। ठीक है, तो ये 4 हो गया और 5 और 2 = 7 हो गया। ठीक है, × 7 × sin θ। ठीक है, अब यहां से हाफ कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो कितना है आपका? 3 × 6 / 28। ठीक है, इसको अगर आप और छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3/14। ठीक है, ओके, तो क्या देखा आपने कि अगर आपको दो साइड्स गिवन है उनके बीच का एंगल गिवन है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, किसी दूसरे फॉर्मेट भी हो सकता है, बट बेसिकली इसको आपको कैसे सॉल्व करना है? हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ साइड्स और एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो हमने छोटे वाले ट्राइंगल का पहले यहां पर निकाल लिया हाफ ऑफ, और 3 एक साइड 3 हो गई, एक साइड 2 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? साइन थीटा निकाल दिया हमने कि जो इसके बीच का एंगल है वो इंटू साइन थीटा। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बड़े वाले का, तो ये 1 है और ये 3 है, तो टोटल कितनी हो गई? ये टोटल कितनी हो गई? ये टोटल हो गई आपकी 4। ठीक है, ऐसे 5 और 2 कितनी हो गई? ये 7 हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास, अगर आप बड़े वाले को विजुअलाइज कर पा रहे हो, एबीसी, तो कितना? 4 हो गया और ये हो गया 7 हो गया, तो 4 × 7 और × sin θ। ठीक है,
अगर आपने इसको कट किया तो फिर ये हो गया 3/14। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, फिर अगेन हम आगे एरिया के और फॉर्मूले पढ़ेंगे कैसे हमको ट्रायंगल में उसका यूज करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो इसको आप शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।